अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजी गाइटन की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सेल और उसके फंक्शंस के बारे में। मैंने आपसे बताया कि ये एक बड़ा चैप्टर है 14-15 पेजेस का, जिसमें से हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, और वो वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर की अगली हेडिंग, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर। आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा, सेल में क्या क्या है? देखें, सेल में एक तो सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाद सेल में यहां साइटोप्लाज्म है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेम्ब्रेन्स के बारे में, ठीक है? तो तमाम मेम्ब्रेन्स जितनी भी सेल के अंदर होती हैं उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, और फिर जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो मशीनरी होती है जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गॉल्जी बॉडीज, ये फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पर्पस है to study the structure of membranes in the cell. Okay, now most organelles of the cell are covered by membranes composed primarily of lipids and proteins. These membranes include cell membrane, nuclear membrane, membrane of the endoplasmic reticulum, membrane of the mitochondria, membrane of the lysosome and membrane of the Golgi apparatus. क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि देखो, ये अगर सेल है ना, और इस सेल के बाहर ये क्या चीज है? सेल मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन है, इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना? अच्छा, आप अंदर अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है तो इसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर गोल्जी बॉडीज हैं तो उसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन है। तो हर ऑर्गेनेल आपके सेल का एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, मेम्ब्रेन से बाउंड है, और उस ऑर्गेनेल के हिसाब से उस मेम्ब्रेन का नाम रखा जाता है। जैसे कि जो मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाएगी, जो सेल के बाहर है तो वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। सो बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर आपको समझने की जरूरत है। ये डायग्राम बनी हुई, अभी समझाता हूं, पहले थोड़ा टेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें लिपिड है। लिपिड इन द मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड्स अ बैरियर। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाई कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन किस चीज की है? लिपिड की, ताकि वाटर क्रॉस ना कर सके। ओके, हाउएवर लिपिड के साथ साथ आपकी मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रोटीन का कॉम्पोनेंट भी है, और वो बात मैं भी समझाता हूं। ये प्रोटीन दो काम करती हैं, या तो ये मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट करती हैं ताकि चीजें इसमें से पास हो सकें, जिन्हें हम चैनल्स कहते हैं, या फिर ये जो प्रोटीन अटैच होती हैं मेम्ब्रेन के साथ, ये कोई ना कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन करती हैं। सो दे आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक एंजाइम्स, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट एनवलप्स द सेल एंड इज अ थिन प्लाइएबल इलास्टिक structure which is 7.5 to 10 nanometers thick. It's a very very thin membrane as you can see here, but it is very elastic, it is very pliable. Okay, it is composed almost entirely of proteins and lipids. Important baat hai, jo bhi membrane aapke cell mein hai, chahe wo cell membrane ki baat ho rahi hai jo ki sabse bahar hoti hai cell ke, ya wo nuclear membrane ki baat ho rahi hai, ya wo mitochondrial membrane, जो भी मेम्ब्रेन है उसका कॉम्पोजिशन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन इज 55% प्रोटीन, 25% फॉस्फोलिपिड्स, 13% कोलेस्ट्रॉल, 4% लिपिड्स एंड 3% कार्बोहाइड्रेट। तो होगी ना वही बात कि अराउंड मोर देन 95% प्रोटीन और लिपिड ही है, फिर बहुत छोटा कॉन्सेंट्रेशन कार्बोहाइड्रेट का भी है, और इन सब का रोल अभी मैं बताऊंगा कि क्या है। अच्छा, पहले ना मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूं, फिर इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। इस डायग्राम को देखो बॉस, ये ऐसे है कि अगर यहां एक सेल बना हुआ है और मैं इस सेल का एक छोटा पोर्शन लेके उसको बड़ा करके यहां आपको ऐसे दिखा रहा हूं। सो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द डायग्राम, ठीक है? तो ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। अब सेल मेम्ब्रेन को अगर देखें तो इसमें दो लेयर्स हैं। एक लेयर ये है जो ऊपर चल रही है, एक लेयर ये है जो नीचे चल रही है। अब अगर मैं हर लेयर को देखूं तो उस लेयर के भी दो कंपोनेंट्स हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एक स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखता हूं यहां, सो इसमें यूं है ना, एक ग्लोबुलर पोर्शन है और फिर नीचे यूं टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो अब ये एक मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक अपर लेयर बना रहे हैं और एक लोअर लेयर बना रहे हैं, ये हैं फॉस्फोलिपिड्स। सो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, और अब देखें बीच में से ना ये पूरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल गुजर रहा है, तो ये पूरा चैनल है, इसमें से मुख्तलिफ चीजें सेल के अंदर आ सकती हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, इफ दे आर
क्रॉसिंग द होल सेल मेम्ब्रेन, अगर पूरा थ्रू एंड थ्रू सेल मेम्ब्रेन में से गुजर रहा है कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। फिर एक वो प्रोटीन है जो इस इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच्ड है या साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा है, उसको हम नाम देते हैं, दिस इज नॉट कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन बट दिस इज कॉल्ड अ पेरिफेरल प्रोटीन। अ पेरिफेरल प्रोटीन इज द वन जो पूरा सेल मेम्ब्रेन में से गुजरता नहीं है, जो पूरा सेल मेम्ब्रेन में से गुजरता है उसका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो अलग से अटैच्ड है या इंटीग्रल प्रोटीन के साथ या साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है या समटाइम्स वो इस तरह सेल मेम्ब्रेन में मूव कर रहा होता है, यानी एक एक पेरिफेरल प्रोटीन यूं है फिर वो मूव करके यहां आ गया, तो ये मूविंग प्रोटीन है जो कि पूरे का पूरा नहीं गुजरता सेल मेम्ब्रेन में से। अगर पूरे का पूरा सेल मेम्ब्रेन में से गुजरता है तो ये बेसिकली एक चैनल की तरह काम करता है, यानी कोई भी आयन इसमें एंटर होके आपके सेल के अंदर आ सकता है। सो ये आपको कॉन्सेप्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि लिपिड बायलेयर है, फॉस्फोलिपिड्स की एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे और इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, सो इट्स अ थिन लेयर, लेकिन एक्चुअली ये दो लेयर्स हैं और फिर इन लिपिड बायलेयर्स में से गुजर रही हैं प्रोटीन। अगर थ्रू एंड थ्रू प्रोटीन्स गुजर रही हैं तो वो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाती हैं और अगर अलग से प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं तो वो पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलाती हैं। अब जरा स्ट्रक्चर को पढ़ भी लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बैरियर इंपीड्स पेनिट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। देखो अब ये जो पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना बॉस, इसमें से वाटर सॉल्युबल चीजें ऐसे इजीली गुजर नहीं सकती, यानी ये फैट का रीजन है तो यहां से कोई भी वाटर सॉल्युबल चीज नहीं गुजरेगी। अगर कोई वाटर सॉल्युबल चीज गुजरनी है तो उसको चैनल में से गुजरना होगा, प्रोटीन चैनल में से, ठीक है। तो ये बात बता रहा है कि लिपिड जो लेयर है इट इंपीड्स द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ओके, इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज अ लिपिड बायलेयर, ये मैंने आपको समझा दिया ना, दो लेयर्स होती हैं, विच इज अ थिन डबल लेयर्ड फिल्म ऑफ लिपिड, ईच लेयर ओनली वन मॉलिक्यूल थिक। ये भी मैंने आपको यहां पर बात समझाई कि ये एक लेयर है और इसमें ये एक मॉलिक्यूल, देखें एक मॉलिक्यूल ये है, फिर उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल खड़ा हुआ है, फिर उसके साथ तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह पूरी एक लेयर बन जाती है, ऊपर की एक लेयर नीचे की एक लेयर, राइट। तो एक एक मॉलिक्यूल की थिकनेस है इसकी, छोटी सी ये लेयर है, बहुत ज्यादा बड़ी मोटी लेयर नहीं है। ओके, नाउ द बेसिक लिपिड बायलेयर इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन टाइप्स ऑफ लिपिड्स। एक तो फॉस्फोलिपिड है जो मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना ऐसे, ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। दूसरा इसमें होते हैं कहीं कहीं किसी किसी सेल्स में, जैसे नर्वस सिस्टम के सेल्स में ये बहुत ज्यादा होता है स्फिंगोलिपिड्स, और फिर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है लिक्विडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बॉस, ये ऐसा नहीं है प्लास्टिक की तरह सख्त, इट्स अ लिटिल लिक्विड स्ट्रक्चर और उसकी लिक्विडिटी मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल। नाउ फॉस्फोलिपिड्स आर मोस्ट अबंडेंट। मैंने आपको बताया कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर तीन तरह के लिपिड्स ज्यादा कॉमन है और इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। नाउ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक एंड सोल्यूबल इन वाटर। द अदर एंड, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके दो एंड्स हैं। जो फॉस्फोलिपिड है वो वन एंड पर वाटर सोल्यूबल है, जो वाटर सोल्यूबल पोर्शन है उसको नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक। द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, जो हाइड्रोफोबिक है वो फैट सोल्यूबल है, ठीक है। नाउ द फॉस्फेट एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज हाइड्रोफिलिक एंड द फैटी एसिड पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक। बिकॉज द हाइड्रो, ये भी मैं समझाता हूं, पहले पढ़ लेते हैं फिर पूरा समझाता भी हूं डिटेल में। नाउ बिकॉज द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर रिपेल्ड बाय वाटर बट आर म्यूचुअली अट्रैक्टेड टू वन अनदर, दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू अटैच वन अनदर इन द मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन as shown in the, अभी मैं दिखाता हूं ये ऊपर। Now the hydrophilic phosphate portion क्या होता है, hydrophilic portion then constitutes the two surfaces of the complete cell membrane in contact with the intracellular water and extracellular water। अब जरा मेरी बात सुनो, ये ना बहुत important concept है। ये है जनाब lipid bilayer, उसमें ये ऊपर एक गोल structure है और फिर उसकी नीचे ये टेल्स हैं। अब नीचे वाला पोर्शन देखो तो ये गोल स्ट्रक्चर है और ये नीचे इसकी टेल्स हैं। ये जो गोल स्ट्रक्चर्स है ना बॉस, ये गोल स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का, ये गोल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया ना फॉस्फोलिपिड यूं होता है, एक गोल स्ट्रक्चर और फिर उसकी टेल्स। तो ये जो गोल स्ट्रक्चर है ना बेसिकली ये है फॉस्फेट पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड और ये जो टेल्स हैं दिस इज द फैटी एसिड पोर्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड। इसका नाम क्या मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूं फॉस्फोलिपिड। तो दिस इज द फॉस्फो पोर्शन एंड दिस इज द लिपिड पोर्शन। सो जो फॉस्फो पोर्शन है वो वाटर अट्रैक्ट कर सकता है, वाटर अट्रैक्टिव, सो इट इज टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड टूवर्ड्स द इनसाइड। अब ये इस तरह से है कि ये सेल का एक्सटीरियर होगा, सेल का बाहर का हिस्सा और ये सेल का अंदर का हिस्सा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ फॉस्फेट
फेस करता है। इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी फॉस्फेट फेस करता है और इस सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड पोर्शन है वो एक दूसरे की तरफ इस तरफ फेस करता है, राइट। सो अरेंजमेंट ऑफ लिपिड बाय लेयर, अब ये देखो फेस वाटर की तरफ कर रहा है लेकिन ये वाटर परमिएबल नहीं है, ये बात याद रखनी है आपको, इट इज नॉट वाटर परमिएबल। ये मत गलत समझ लेना कि अच्छा ये वाटर की तरफ फेस कर रहा है फॉस्फेट और इसमें से पानी गुजर जाएगा, नो इट इज नॉट वाटर परमिएबल। लिपिड मेम्ब्रेन जो है नॉट वाटर परमिएबल, इसमें से पानी नहीं गुजर सकता। लेकिन अब सवाल क्या क्या करने मुझे आपसे, चलो बताओ, अगर ये लिपिड बायलेयर में यहां पे बनाता हूं, दैट्स अ लिपिड बायलेयर जिसका एक मॉलिक्यूल ये है, इसका एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, और ऐसे फिर यहां पे बहुत सारे, एक लेयर ऊपर होगी एक लेयर नीचे होगी, तो ये पोर्शन जो बाहर की तरफ है ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ और ये पोर्शन जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है, ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो मुझे बताओ ये गोल 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 हिस्सा क्या है, फॉस्फेट या लिपिड? इट्स फॉस्फेट। इसी तरह ये गोल गोल हिस्सा क्या है, फॉस्फेट। ये हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? हाइड्रोफिलिक है। इस ये जो टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं, सो आपको याद रखना है कि जो लिपिड टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं और जो फॉस्फेट स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफिलिक है, ओके। नाउ द लिपिड लेयर इन द मिडल ऑफ द सब्सटेंस इज, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, स्फिंगोलिपिड्स नर्व सेल्स में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट इन नर्व सेल्स, तो ये बस एक चीज है जो आपको याद रखनी है, इट इज इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन नर्व सेल्स। कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर द लिक्विडिटी, फॉर द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ओके। अब ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन का जनरल स्ट्रक्चर, किस चीज की मिलके बनती है जनाब, सेल मेम्ब्रेन बनती है लिपिड बायलेयर की। लिपिड क्या होती है, फॉस्फोलिपिड हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और स्फिंगोलिपिड हो सकता है। फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा कॉमन है, फॉस्फोलिपिड में दो पोर्शन है, फॉस्फो और लिपिड। जो फॉस्फो पोर्शन है वो एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस की तरफ फेस करता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ओके। अब आगे चलते हैं और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, ये भी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अगर कोई प्रोटीन ये सेल मेम्ब्रेन है और कोई प्रोटीन थ्रू एंड थ्रू इसमें से गुजर रही है तो इसको हम नाम देंगे इंटीग्रल प्रोटीन, और अगर कोई प्रोटीन अलग से अटैच हुई हुई है इंटीग्रल प्रोटीन के साथ तो उसे हम नाम देंगे पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये दो तरह की प्रोटीन्स हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली पोर्स और चैनल्स बनाती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, चैनल्स या पोर्स, ठीक है, और इनका काम है कि इसमें से चीजें गुजर के अंदर आ जाएं। और ये जो दूसरी वाली प्रोटीन्स हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन्स नहीं है, जिनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, ये बहुत सारे काम करती हैं। ये कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन कर सकती हैं, ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम कर सकती हैं, यानी यहां से कोई मैसेज लिया अंदर न्यूक्लियस में लेके चले गए वगैरह वगैरह वगैरह, इसीलिए इनको वी ऑल्सो कॉल देम कि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन करवाते हैं, ये लाइगेंड्स के तौर पर, सो ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। यही सारी बातें यहां पर की हुई हैं, लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया कि अगर कोई प्रोटीन थ्रू एंड थ्रू गुजर रही है इंटीग्रल प्रोटीन तो ये चैनल है या पोर है, और अगर कोई प्रोटीन इंटीग्रल नहीं है पेरिफेरल प्रोटीन है तो ये एंजाइम के तौर पे काम कर सकती है, ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम कर सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें हैं बॉस, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। अब आइए और एक चीज देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है और वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स। होता बेसिकली ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो कहीं कहीं ना यहाँ पे इस तरह डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जिसका एक इंपॉर्टेंट काम है, अभी बताऊंगा ये क्यों होते हैं और क्या करते हैं। लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं, दे आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और दे आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। अकेला कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, या वो प्रोटीन के साथ मिला हुआ होता है या वो लिपिड्स के साथ मिला हुआ होता है, ओके। नाउ What is the role of these carbohydrates? ये करते क्या हैं? इनका काम क्या है? भाई ये सेल है अगर और ये सेल की मेम्ब्रेन है तो इस पर कार्बोहाइड्रेट बैठ के क्या कर रहा है? By the way, इस जगह जगह थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह से कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है तो इसको कंबाइंड हम एक नाम देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ओके। नाउ फंक्शन, इसका क्या काम है? Now, many of these carbohydrates जो सेल पर हैं उनका एक नेगेटिव चार्ज होता है। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से पूरे का पूरा सेल आपका जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और सेल का नेगेटिव चार्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो सेल को नेगेटिव चार्ज देने में एक इंपॉर्टेंट रोल है कार्बोहाइड्रेट का। सो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज मिलता है आपके सेल्स को। फिर जो ग्लाइकोकैलिक्स है, यानी कि सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हुए हैं, दे ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सेल से दूसरा सेल अटैच हो जाए। आप सपोज
सपोज ये सेल है, इसमें यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, ये दूसरा सेल है उसमें यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, तो सेल की आपस में कम्युनिकेशन और अटैचमेंट, जो टाइट जंक्शंस बनते हैं, उन टाइट जंक्शंस में ग्लाइकोकैलिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत सारे हॉर्मोन्स अटैच होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है, इंसुलिन जाके पहले किसी ग्लाइकोकैलिक्स पर अटैच होता है और फिर उसकी फर्दर एक्टिविटी स्टार्ट होती है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सम इम्यून रिएक्शन, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 35, दूर की बात है इस वक्त हम चैप्टर 2 पर हैं, आगे पढ़ेंगे चैप्टर 35 में। बट एनीवेज, इस वीडियो का फ्रेंड्स मकसद ये था कि आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया जाए। सेल मेम्ब्रेन में क्या है? सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा है लिपिड्स, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में है प्रोटीन्स, फिर सेल मेम्ब्रेन में है कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता होना चाहिए कौन से लिपिड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर हैं फॉस्फोलिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हैं स्फिंगोलिपिड्स, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड में फॉस्फो ग्रुप है जो कि हाइड्रोफिलिक है, जो सेल के बाहर और अंदर की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक पोर्शन उसका लिपिड पोर्शन है जो कि एक दूसरे को फेस करता है लिपिड बायलेयर में। प्रोटीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो प्रोटीन्स जो आर पार हो रही हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो अलग से अटैच हो रही हैं उनको हम नाम देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। प्रोटीन का काम है चैनल्स बनाना, पोर्स बनाना सेल मेम्ब्रेन में, ताकि चीजें आर पार गुजर सकें। और फिर कार्बोहाइड्रेट के ये फंक्शंस हमने पढ़ लिए। तो यहां पे ये वीडियो खत्म करता हूं, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में और उनके मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।